भैया हमें ध्यान रखते हैं, निकोनी के समय खरपतवार जब बड़ा हो जाता है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, या छोटा रहता है तो इसी मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसा करने से कुछ दिनों के बाद वह खाद बन जाता है और पौधों को पोषण मिलता है। हाँ भैया, मिट्टी भुरभुरा हो जाने के बाद हवा और पानी जड़ तक आसानी से पहुँच जाता है। निकोनी करने के बाद ही सिंचाई करनी चाहिए। आपका पूरे खेत निकोनी हो चुकी है, देखिए तो कितना सुंदर लगता है। हमें बहुत इसको देखभाल करते हैं, गर्मी के समय में 5 या 7 दिन में सिंचाई करते रहते हैं। गर्मी के मौसम में 5 से 7 दिन और जाड़े के मौसम में 10 से 12 दिन में एक बार जरूर सिंचाई कर देनी चाहिए। बरसात के मौसम में जरूरत के हिसाब से हम सिंचाई करते हैं। 2 दिन पहले बारिश पड़ चुकी है, हमें अभी सिंचाई नहीं करेंगे क्योंकि खेत में नमी है। बिल्कुल दीदी, सिंचाई का संबंध सीधा मिर्च के उत्पादन से होता है। अगर फूल आते समय पर्याप्त मात्रा में जमीन में नमी नहीं होगी तो फूल में कमी हो जाएगी और पौधों के विकास में रुकावट आ जाएगी, उसी वजह से मिर्ची का फल जल्दी गिर जाता है। खेत की नमी देखते हुए समय समय पर सिंचाई करनी चाहिए। ये बात तो ठीक है भैया, सिंचाई के समय ये ध्यान रखते हैं कि पूरे खेत एक समान सिंचाई हो सके। पानी एक जगह ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाने के बाद पौधों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक उसी तरह दीदी, खेत में किसी भाग में पानी कम पहुंचता है तो पौधों के विकास में कमी हो जाता है। बिल्कुल भैया, सिंचाई करते समय इन बातों का खास ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है जी, अभी तो बारिश का मौसम है, 2 दिन पहले बारिश हो चुकी है, अभी तो जमीन में नमी है, अभी तो बस सिंचाई करने का कोई ज़रूरी नहीं है, अभी चलिए।